क्लास ट्वेल्थ टॉपिक नंबर 10। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पार्टनरशिप, जो फंडामेंटल पार्टनरशिप ऑफ फर्म है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और आने वाले चैप्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि टॉपिक है आज आपका पार्टनर्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स ऑफ कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आइए फटाफट से हम जल्दी स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टॉपिक नंबर 10 मैंने अभी आपको बताया, मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला वाला पार्ट जो होगा मेरा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग होगा, दूसरा वाला फ्लक्चुएटिंग होगा। तो मैं पहले समझा देता हूँ आपको, एक बार आप ध्यान से समझिएगा। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो किसी ना किसी पार्टनर्स का होता है, तो आपको याद रखना है पर्सनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स, दैट मीन्स कौन सा अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे ऑप्शन आ सकते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो आप बता सकते हैं वहाँ पे पर्सनल अकाउंट होता है। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे मैं बता रहा, की पॉइंट्स है, इस बात को आप यदि याद रखते हैं तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ऑल द ट्रांजेक्शन्स विच इंक्रीज द कैपिटल, दैट मीन्स यहाँ पे आपको याद रखनी है, यदि आपका कैपिटल इंक्रीज होता है आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, तो उसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। ये बात याद रहेगी, जब भी आपका कैपिटल इंक्रीज होगा उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड, ऑल द ट्रांजेक्शन्स विद डिक्रीज्ड द कैपिटल, यदि आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, तो उस ट्रांजेक्शन को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर पॉइंट। अब आइए वन बाय वन समझते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये मैं बता दूं, आपको समझा दूं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनाएंगे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। स्टार्ट करने से पहले समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इसका मतलब ये हुआ जब भी आप, जब तक आपकी पार्टनरशिप फर्म रहेगी, इस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में आपका जो कैपिटल है जब वो चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स उसे हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज तभी कर सकते हैं जब किसी सभी पार्टनर्स की सहमति होगी और हमारे डीड में इस तरह की कोई भी कंडीशंस लिखी गई होगी। अदरवाइज पार्टनरशिप डीड में चेंजेस नहीं है तो उसे हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, तो वो कैपिटल फिक्स्ड रहेगा जब तक उसकी पार्टनरशिप चलती रहेगी, तब तक कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब आइए फटाफट समझते हैं, यहाँ पर मैं बताता हूँ, हेडिंग लिख देता हूँ आपका, ये जो मैं बता रहा हूँ वो है आपका कौन सा मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्लियर पॉइंट। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम वो कैपिटल बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप अपना पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं और इन पार्टनर्स की जितने भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट होती है वो सारे पॉइंट जो है, वो सारे जो पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाते हैं। याद रखना जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टाइम की सारी ट्रांजेक्शन। पहला फर्स्ट ऑफ लिखा मैंने बाय बैलेंस बीडी, ये आपके जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा जो पार्टनर्स ने अपने फर्म स्टार्ट करने के टाइम भी जितने पैसे इन्वेस्टमेंट किएंगे, जो भी अमाउंट होगा। यहाँ पे मैंने दो पार्टनर्स का नाम लिया है ए बी, तो बाय बैलेंस बीडी आप इसे क्रेडिट साइड नोट करेंगे जो भी अमाउंट होगा। उसके बाद मैंने लिखा है बाय कैश या बैंक अकाउंट, दैट मीन्स एडिशनल कैपिटल, हो सकती है जरूरत पड़ेगी आपको फर्म में दोबारा पैसे की, तो जो दोबारा पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसे हम कैश या कैपिटल अकाउंट के नाम से मेंशन कर देंगे। अब आता है डेबिट साइड में, यहाँ पे दो कैपिटल होते हैं, एक होता है विड्रॉन ऑफ कैपिटल, एक होता है विड्रॉन ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो कैपिटल जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उसमें से जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वो आपको डेबिट साइड मेंशन कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर पॉइंट। उसके बाद अब आप टोटलिंग करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल आपने कर दिया, वही टोटल आपने डेबिट दिखा दिया, देन जो डिफरेंस आया आपका वो आ गया टू बैलेंस सी डी, दैट मीन्स बैलेंसिंग फिगर। अब जो हमारी नई बैलेंस शीट आएगी, जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें आप ये वाला जो डिफरेंस है टू बैलेंस सी डी वो मैंसन करेंगे। अब आइए समझते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट समझाने से पहले यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल छोटा सा, स्पेस थोड़ा सा कम है, आपको पता है पहले से स्टार्टिंग से मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, जो अभी सारी वीडियो अब घर से बन रही है तो जो घर पे जो भी था रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग मैं सारा बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा इस बात को। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो सर ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे समझना है, ठीक है, तो मुझे आप बता सकते हैं। अभी समझते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट, आपको पता है सबसे पहले ये होता है आपका एसेट्स और ये होता है आपका, एक सेकंड भाई, बाय मिस्टेक ये मैंने बता दिया आपको, ये होता है आपका लायबिलिटीज साइड और ये होता है आपका एसेट साइड। लायबिलिटीज को आपको पता है हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं
और एसेट्स को हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। इसे आप ये कौन सा साइड है आपकी, क्रेडिट। इसे आप क्रेडिट बैलेंस भी कह सकते हैं, इसे आप ओपनिंग बैलेंस भी कह सकते हैं। अब ये बैलेंस आएगा कहां से, तो ये बैलेंस आएगा आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यहां पे मैंने इसलिए समझाया आपको, ये इस तरह जो भी लायबिलिटीज में लिखा होगा वो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो आप यहां पे मेंशन कर देंगे। यहां पे कंडीशन बताता हूं, हो सकता है किसी पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस हो तो वो एसेट्स में गिवन होगा, तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो इसे हम बोलेंगे ये जो ये आपका बैलेंस होगा, ये होगा डेबिट बैलेंस कह सकते हो और इसका क्लोजिंग बैलेंस कह सकते हो। ये बात आपको याद रखनी है, यहां पे मैं स्पेस के लिख नहीं रहा हूं, आपको ये बात याद रखनी है। क्लियर पॉइंट, उसका आता है फटाफट से। अब पार्टनर्स को जो भी जितना भी बेनिफिट मिल रहा है वो सारे क्रेडिट साइड, जो उसका खर्चा हुआ है वो डेबिट साइड। तो जो पार्टनर्स को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय साइड, बाय कमीशन, बाय सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ प्रॉफिट, ये आप इंडिविजुअल पार्टनर्स ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसका आता है डेबिट साइड टू ड्रॉइंग, उसने जो विड्रॉल किया होगा अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए वो डेबिट साइड, उसके उस पर जो चार्ज लगा होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो, और हो सकता है इनकेस प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस हो सकता है, लॉस होने पे डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। अब हम टोटलिंग कर लेंगे, तो टोटलिंग मान लेते हैं क्रेडिट साइड का ज्यादा आएगा, और जैसे क्रेडिट साइड के ज्यादा आएगा यदि आपने बाय बैलेंस बीडी कराया तो डेबिट साइड आएगा डिफरेंस, और यदि टू बैलेंस बीडी रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस माइनस कर डिफरेंस निकालेंगे टू बैलेंस सीडी, और ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। जो भी अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और इसी अमाउंट को आप अपने जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें आप दिखा देंगे। ये टॉपिक मैंने कोशिश करी अच्छे समझाने की, फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में या जो मैंने नंबर जो डिस्प्ले में नंबर आ रहा है उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।